दोस्तों यह बात सच है कि हर कोई भगत सिंह नहीं बन सकता, हर कोई महाराणा प्रताप नहीं बन सकता, हर कोई बाबा साहब नहीं बन सकता, हर कोई गांधी जी नहीं बन सकता, हर कोई रानी लक्ष्मी बाई नहीं बन सकता, हर कोई शिवाजी महाराज नहीं बन सकता, हर कोई संभाजी महाराज नहीं बन सकता, हर कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकता, हर कोई APJ अब्दुल कलाम नहीं बन सकता, हर कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं बन सकता। दोस्तों हम लोग अपने तिरंगे की रक्षा तो कर सकते हैं ना, अपने तिरंगे की देखभाल तो कर सकते हैं ना, जिसके लिए 7.5 लाख लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उस तिरंगे के लिए हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि उसकी देखभाल कर सके, उसकी रक्षा कर सके, उसे जब हम लोग 25 जनवरी को या फिर 14 अगस्त को खरीदते हैं तो बहुत उत्साह के साथ खरीदते हैं कि इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे या फिर रिपब्लिक डे मनाएंगे, लेकिन उसी तिरंगे को 26 के बाद या फिर 15 अगस्त के बाद हम लोग फेंक देते हैं या फिर किसी कचरे में फेंक देते हैं। क्या आप इसकी कीमत जानते हैं? इसके लिए कई लोगों ने कुर्बानी दिया है, कई लोगों ने इसी तिरंगे के लिए अपनी जान दिया है, और मुझ जैसे लाखों लोगों के लिए ये अनमोल है, अनमोल रहेगा। तो इस तिरंगे को बचा के रखिए। दोस्तों हम इंडियन हैं, हम इतने डाइवर्सिफाइड हैं, हम कल्चर से डाइवर्सिफाइड हैं, हम कलर से डाइवर्सिफाइड हैं, हम रिलीजन से डाइवर्सिफाइड हैं, हम कास्ट से डाइवर्सिफाइड हैं। इतनी विविधता होने के बावजूद भी, इतनी डिफरेंस होने के बावजूद भी हम लोग अपने देश में, अपने अपने राष्ट्र में, अपने अपने स्टेट में हिंदुस्तानी कहलाते हैं। हम लोग हिंदुस्तानी कहलाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों ने बलिदान दिया था, इसलिए क्योंकि इन लोगों ने हमें आजाद कराने के लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए खुद की बलिदान दी थी, खुद को फांसी पे चढ़ाया था, तब आज हम लोग इतने चैन से रह रहे, तो इतने खुशी से रह पा रहे। तो आपको इस तिरंगे की कीमत करनी चाहिए। ये तिरंगा हमारे लिए अलमोल है, और हम हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए अनमोल है, अनमोल था और अनमोल ही रहेगा। सो हैप्पी रिपब्लिक डे, मनाइए धूमधाम से। आई लव यू ऑल।